हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का मिनी ब्लॉग शूट हो रहा है मेरे सुबह के 11:30 बजे से। तो आप लोग देख रहे होंगे, आज भी हम उसी वाली जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे ना फ्लड आया था। फ्लड आने से पहले हम लोगों ने यहाँ पे लकड़ी रखी थी, बट कुछ लकड़ियाँ ना फ्लड में दब गई थी और कुछ बची हुई थी। तो पापा और मैंने सोचा क्यों ना इनको निकाला जाए। तो पापा ना सुबह आ चुके थे, बट मुझे पहले घर का काम निपटाना था और उसके बाद मैं आई 11:30 बजे। तो पापा ने ना यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ ना इकट्ठा कर ली थी, और साथ ही साथ में ना आज का जो मौसम था बड़ा ही प्यारा था, धूप भी खिली हुई थी और साथ ही साथ में बादल भी लगे हुए थे। तो उसके बाद यहाँ से जो गांव का व्यू आ रहा है ना, बड़ा ही प्यारा आ रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पेड़ ना हम लोगों का था, ये भी पूरी तरीके से टूट गया है। और ये जो बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, ये अखरोट का है। और नीचे गांव का व्यू बड़ा प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे भाभी लोगों ने न्यार भी लगा हुआ है। तो उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ घर में। घर में पहुँचने के बाद माता जी यहाँ पे उपस्थित हो रखी थी, क्योंकि दिन के 12 बज चुके थे। और मम्मी ने यहाँ पे दो नहीं तीन तीन ककड़ियाँ लेके आ रखी थी। फिर मैं मम्मी को थाली दे देती हूँ। थाली देने के बाद माता जी यहाँ पे ककड़ी काटना स्टार्ट करती है। और यहाँ पे दीदी का कॉल भी आ रखा था, और दीदी फ़ोन के अंदर से बोले जा रही थी कि मेरे लिए भी भेजो, बट यहाँ से हम लोग भेज नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से भेजने में हम लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाले ले जाते नहीं हैं। और यहाँ से दिल्ली जाने में बहुत ही टाइम लग जाएगा, और जब दीदी आएगी तो उस टाइम दीदी के लिए रख लेंगे, यदि दीदी आती है तो। अभी यहाँ पे हम लोग बिना नमक के यहाँ पे ककड़ी खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भी नमक तो पिसा हुआ था नहीं। तो उसके बाद मैं लग जाती हूँ दिन का खाना बनाने के लिए। दिन के खाने में आज बन रहा है आलू की सब्जी, और चावल तो बन चुके हैं, और फिर चढ़ाती हूँ मैं साग। तो अभी ना दिन के बज चुके हैं 3, और मम्मी भी नहा धो के रेडी हो चुकी है, क्योंकि आज तो संडे था। तो संडे को सबने नहाया धोया, और फिर मैं ना ताई जी के साथ बातें करने पे लगी हुई थी। तो ताई जी बोल रहे थे आज ना कहीं से बड़ी प्यारी वाली खुशबू आ रही है। तो मैंने बोला चलो आज वहीं चलते हैं खाने के लिए। तो मुझे धुलने थे इतने सारे कपड़े, और मैं आ जाती हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में जाने के बाद यहाँ पे देखो, एक एक नहीं दो दो बाल्टियाँ मैंने यहाँ पे कपड़ों की भिगो रखी थी। और साथ ही साथ में ना मैं यहाँ पे सोचने लगती थी कैसे धुलूँ। और यहाँ पे छोटी वाली भतीजी भी उठ जाती है तब तक, क्योंकि दिन के 4 बज चुके थे। और यहाँ देखो, फिर मैं उसको बुलाती हूँ और फिर हंसने लग जाती है। फिर मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए छत पे जाती हूँ, तब तक अवंतिका भी आ जाती है साइड को। और फिर मैं इसको बोलती हूँ कि ये वाली बाल्टी ना ऊपर ले जा ले, तो यहाँ पे हंसने लगती है। और फिर मैं चली जाती हूँ ऊपर छत में, और सीढ़ियों से होके जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे माता जी ऑलरेडी छत में थी, क्योंकि मम्मी ना अपने काम करने पे लगी हुई थी। और आज का मौसम बड़ा ही सुहावना था, अच्छी वाली धीप धूप भी खिली हुई थी। और यहाँ पे दो दो बाल्टी ऊपर ले आने के बाद माता जी लगी हुई थी अपने काम पे, क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ पे कोदे की मंडाई करी थी। और मंडाई करने के बाद जब कोदा सूख जाता है तो उसको विनोइंग करनी पड़ती है। तो आज का मौसम देखो बड़ा ही सुहावना है, सामने वाली जो पहाड़ी है बादल भी लगे हुए हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे माता जी लगी हुई है सूप से। फिर मैं चली जाती हूँ चाचा जी के पास ककड़ी लेके, और चाचा के साथ बोलती हूँ कि आज ना गुट्टू से आपको कॉल आया था कि कल पैसे लेना ज़रूर आना। तो चाचा जी बोलते हैं कि उनको फिर से कॉल कर। तो मैंने बोला कि आज ना उन्होंने मना कर रखा है, तो कल ना आप चले जाना। चाचा जी बोलते हैं कि तू झूठ बोल रही है। तो फिर मैं बोलती हूँ मैं झूठ क्यों बोलूँगी। फिर चाचा बोलते ठीक है मैं कल जाऊँगी। फिर मैं निकल जाती हूँ अपने खेतों की ओर। खेतों में हम लोगों ने, ये आप देखे होंगे, हमने ये बिछा रखा है न्यार, तो ये ना इस टाइप से सुखाने के लिए डाला रहता है। और साथ ही साथ में ना मम्मी अभी लगी हुई है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे रिंगाल की लकड़ी लेके, और इससे हमें न्यार को बांधना होता है। और फिर ना मैं और यहाँ पे ना मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मुझे ना ये वाली पुलियाँ बांधने नहीं आती है। तो मम्मी बोलती है कि तू ऐसा काम कर, ये वाला इकट्ठा कर ले और उसके बाद मैं इनकी पुलियाँ बांध दूँगी। तो मैं बोलती हूँ ठीक है। तो उसके बाद मम्मी तो लगी हुई है अपने काम पे, क्योंकि मम्मी लोगों को ना बिल्कुल भी थक नहीं लगती है। हम तो थोड़ा भी काम करेंगे तो हम लोग ना ऐसे थक जाते हैं।
तो मम्मी लगी हुई है अभी भी पुलिया बांधने पे। मम्मी ने बहुत सारी पुलिया यहाँ पे बांध दी थी, जिनको हम गढ़वाली में ना कुयाट बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना। जो हमारे यहाँ पौधे का जो न्यार होता है उसको कुयाट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पुलिया ना सुखाने के लिए डाल दी थी, और अभी भी कुछ पुलिया यहाँ पे सुखाने के लिए लेके जा रही थी। तो मैं अभी सारी पुलियों को सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ। और अभी मेरा जो कैमरामैन है माता जी है, इसलिए कैमरे में ना मेरी खोपड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है, बट कोई बात नहीं। तो अभी मम्मी को बोलती हूँ कैमरा इस साइड कर ले, तो मम्मी ने ना मेरी खोपड़ी तो दिखाई नहीं रखी, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे कोई नहीं चलता है। तो अभी ना शाम का टाइम भी हो चुका है, तो अभी अभी हम लोगों को खबर मिली है कि पिल्की जो घनसाली से थोड़ा 5 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे ना एक गुलदार के साथ उसके चार चार बच्चे देखे गए। तो आप लोग अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि